रायबरेली जिला कारागार में बंद बंदी की हालत बिगड़ी। गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। मामला जिला कारागार रायबरेली का है, जहां दो दिन पहले चोरी के आरोप में बंद बंदी विपिन पुत्र मनीष निवासी खौर थाना मिल एरिया को सांस लेने में अचानक दिक्कत महसूस होने लगी, जिसको इलाज के लिए पहले कारागार के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में बंदी का चेकअप किया गया तो उसका ऑक्सीजन लेवल काफी कम था तथा उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टर साहब, क्या परिचय? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, जिला कारागार से एक बंदी आया है, क्या ये विपिन त्रिपाठी नाम के युवक आए हैं? जिला कारागार से रिफर होकर हमारे पास, 23 साल जिनकी उम्र है, बताया जा रहा है झटके आ रहे थे उनको, और यहाँ पर जाँच भी की गई तो उनमें ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी थी। उनको भर्ती किया गया तथा सीनियर डॉक्टर साहब ने भी उनको देखा है। मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, उनको लखनऊ के लिए भी रिफर किया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।